गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की 100 बिलियन फंडिंग के साथ डेली हंट का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया, यानी कि देश का पहला टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। डेली हंट के करीब 8 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं और एक महीने में डेली हंट के एप्लीकेशन से 150 करोड़ से भी ज्यादा बार वीडियोस देखे जाते हैं। आखिर डेली हंट इतना सक्सेसफुल क्यों है, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली हंट एक न्यूज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर 3000 से भी ज्यादा न्यूज और कंटेंट प्रोवाइडर जुड़े हुए हैं जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी समेत देश की 14 भाषाओं में न्यूज और कंटेंट प्रोवाइड करता है। डेली हंट पर न्यूज के अलावा वीडियो वॉचिंग का भी फीचर अवेलेबल है और देश के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस से लेकर के छोटे से छोटे लोकल न्यूज प्रोवाइडर भी डेली हंट की साइट पर जुड़े हुए हैं। डेली हंट का यूजर बेस 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है और 90% तक न्यूज स्थानीय भाषा में पढ़ी जाती है। तो चलिए जानते हैं डेली हंट आखिर स्टार्ट कैसे हुआ था। नोकिया के दो एक्स एम्प्लॉइज चंद्रशेखर सहोनी और उमेश कुलकर्णी ने न्यूज हंट नाम का एक न्यूज एग्रीगेटर 2009 में बनाया और 2011 में वर्से इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर वीरेंद्र गुप्ता ने न्यूज हंट को एक्वायर कर लिया। 2015 तक न्यूज हंट के नाम से ही न्यूज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म चलता रहा। आखिरकार 2015 में उसको रिब्रांड किया गया और इसका नाम डेली हंट रखा गया। और उसके पीछे कारण ये था कि न्यूज हंट सिर्फ न्यूज का ही एग्रीगेटर था, लेकिन वीरेंद्र गुप्ता न्यूज के अलावा डेली लाइफ में यूज होने वाले कंटेंट को भी कस्टमर को देना चाहते थे, इसीलिए उसका नाम न्यूज हंट से बदल करके डेली हंट किया कर दिया गया। डेली हंट के अलावा मार्केट में और भी कई तरह के न्यूज एग्रीगेटर और कंटेंट एग्रीगेटर है, लेकिन डेली हंट ने अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट किया, कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो इतनी सक्सेसफुल है। तो चलिए जानते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज ऑफ डेली हंट। पहली बिजनेस स्ट्रेटजी है बिल्डिंग पर्सनलाइज कंटेंट, दूसरी है ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट, तीसरी है लोकलाइजेशन मेड फॉर इंडियन, चौथी है वीडियो फर्स्ट अप्रोच, पांचवी बिजनेस स्ट्रेटजी है डाइवर्स जॉनर ऑफ कंटेंट, छठी बिजनेस स्ट्रेटजी है इंटरेस्ट ड्रिवन नेटवर्क ऑफ एड्स, और सातवीं बिजनेस स्ट्रेटजी है मर्जर एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। तो चलिए जानते हैं पहली स्ट्रेटजी बिल्डिंग पर्सनलाइज कंटेंट। नॉर्मली जब भी किसी एग्रीगेटर की साइट पे न्यूज पे क्लिक करते हैं तो उस न्यूज प्रोवाइडर की प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, जबकि डेली हंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डेली हंट सारे न्यूज प्रोवाइडर के कंटेंट को अपने ही एप्लीकेशन में इंजेस्ट करके रखता है, यानी कि जब आप उस न्यूज पे क्लिक करते हैं तो आप डेली हंट के प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं, और इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको दूसरा कंटेंट या आर्टिकल सजेस्ट करता है। डेली हंट के एप्लीकेशन पे यूजर किस तरह का कंटेंट देखता है, उस पर कितना टाइम बिताता है, उस पेज पर कितने स्क्रॉलिंग अप और स्क्रॉलिंग डाउन करता है, उसके अलावा कंटेंट को लाइक, डिसलाइक, कमेंट करता है या नहीं करता है, इन सब को एनालाइज करके डेली हंट के एल्गोरिदम यूजर को मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट इंटरेस्टेड कंटेंट, आर्टिकल, ब्लॉग्स ही सजेस्ट करता है। इस तरीके से यूजर का एक्सपीरियंस भी सुधरता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेली हंट के एप्लीकेशन पे गुजारता है। दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी है ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट। डेली हंट हाइपर लोकल से लेकर के बड़े से बड़े न्यूज प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करके रखता है और सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करता है जो लाइसेंस होल्डर होते हैं। उसके अलावा अपनी ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट बेस्ड न्यूज और कंटेंट को ही इनक्रेज करता है। इस तरीके से अपने यूजर को एक वेरीफाइड न्यूज देता है और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी तैयार होता है। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटजी है लोकलाइजेशन मेड फॉर इंडियन। भारतीय संविधान के अनुसार 23 भाषाओं को मान्यता दी गई है और माना जाता है कि भारत में 400 से भी ज्यादा भाषाएं और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। बीबीसी के सर्वे के मुताबिक 10 में से एक भारतीय सही तरीके से इंग्लिश बोल और लिख पाता है और इंटरनेट कम्युनिटी को लार्जली इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा ही डोमिनेट किया गया है, यानी कि बहुत बड़ा भारतीय समाज का तबका अपनी मनपसंद भाषा में कंटेंट और न्यूज को कंज्यूम नहीं कर पाता। डेली हंट ने इसी को टारगेट किया। न्यूज के अलावा स्थानीय कंटेंट को भी स्थानीय भाषा में दिया जाता है ताकि इसकी रीच
रिमोट और विलेजेस तक भी पहुंचे। चौथी स्ट्रेटजी है फर्स्ट वीडियो अप्रोचेस। न्यूज रीडिंग के अलावा डेली हंट वीडियो का भी फीचर कस्टमर को प्रोवाइड करता है। उसके पीछे इसका तर्क यह है कि वीडियो की वजह से एंगेजमेंट रेट हाई होती है और यूजर एक बेहतर वे में न्यूज या कंटेंट को कंज्यूम कर पाता है। डेली हंट के प्लेटफॉर्म पर रिलेवेंसी और हाई क्वालिटी वीडियोस की वजह से यूजर्स में एंगेजमेंट रेट हाई रहती है। इसमें दूसरा बेनिफिट ये भी है कि लोकल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एडवर्टाइजर भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। पांचवी स्ट्रेटजी है डाइवर्स जॉनर ऑफ कंटेंट। न्यूज़ के अलावा डेली हंट के प्लेटफॉर्म पर आप इंटरनेट, स्पोर्ट्स, डाइविनिटी, बॉलीवुड, एस्ट्रोलॉजी और कई तरह के लाइफस्टाइल से रिलेटेड स्टेप देख सकते हैं। इससे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है एक ऑडियंस को, ताकि उसको एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स की न्यूज़ के लिए या डाइविनिटी के लिए या फिर बॉलीवुड में मसाला खबरों के लिए उसे किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। छठी स्ट्रेटजी है इंटरेस्ट ड्रिवन नेटवर्क ऑफ एड्स। शार्प वीडियो, डीपर पर्सनलाइजेशन और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन डेली हंट के की पिलर हैं जो एडवर्टाइजमेंट को स्मूथ और यूजर ओरिएंटेड बनाते हैं। जब भी कोई यूजर एडवर्टाइजमेंट देखता है तो उसको एडवर्टाइजमेंट की बजाय उसे नॉर्मल कंटेंट या न्यूज फीड जैसा ही लगता है। और सातवीं स्ट्रेटजी है मर्जर एक्विजिशन एंड एक्सपांशन। मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए और ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेली हंट टाइम टाइम पर मर्जर एक्विजिशन और अपने बिजनेस मॉडल में परिवर्तन करता रहता है। जुलाई 2015 में डेली हंट ने Buyeth.in को एक्वायर किया था, जो ई कॉमर्स साइट का सर्च इंजन है, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने का काम करता है। जून 2019 में डेली हंट ने लोकल प्ले को एक्वायर किया था। लोकल प्ले हाइपर लोकल न्यूज प्रोवाइडर है। अगस्त 2019 में इमेज ट्रांसलेट नाम का स्टार्टअप डेली हंट ने एक्वायर किया था, जो ग्राफिक और इमेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। इस तरह के एक्विजिशन से डेली हंट बहुभाषीय ग्राफिक डिज़ाइन, न्यूज़ और लोकल लेवल के ट्रेंड्स को समझने में कामयाब हुआ है। रिसेंटली भारत सरकार द्वारा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया, उसमें से शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक भी बैन हुआ था। टिकटॉक के मार्केट को कैप्चर करने के लिए डेली हंट जोश नाम का एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन भी मार्केट में लाया। लॉन्चिंग के महज 45 दिन बाद उस पर यूजर बेस 50 मिलियन हो गया था। चलिए आप जानते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ डेली हंट। डेली हंट के प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के न्यूज़ या कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए यूजर को कुछ भी नहीं देना होता, मतलब सब कुछ फ्री है। डेली हंट रेवेन्यू दो तरीके से अर्न करता है। पहला है इम्प्रेशन बेस्ड और दूसरा है ट्रांजेक्शन बेस्ड। इम्प्रेशन बेस्ड रेवेन्यू से मतलब ये है, डेली हंट के पास ऑलरेडी यूजर बेस हाई है और उसमें से वो जो भी ऐड दिखाता है उसका रेवेन्यू का कुछ हिस्सा न्यूज़ प्रोवाइडर को देता है और कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। एक ये सोर्स है कमाई का और दूसरा सोर्स है ट्रांजेक्शन बेस्ड। और इसमें कई सारे पब्लिशर बुक और मैगजीन भी बेचते हैं और इस केस में डेली हंट एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, इसके पीछे कुछ कमीशन वो अर्न करता है। तो ये दो तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करता है। चलिए अब जानते हैं फंडिंग्स इन डेली हंट। कई सारे राउंडों में डेली हंट ने 234.5 मिलियन की फंडिंग अर्न करी थी। रिसेंटली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फा वे ने 100 मिलियन की फंडिंग करी है, जिसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया है और कंपनी देश की पहली टेक स्टार्टअप बनी है। दुनिया के कई सारे देशों में अभी भी लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड नहीं होता, तो कंपनी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी उस ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना है। तो दोस्तों, हमने कोशिश करी डेली हंट के ऊपर केस स्टडी बनाने की। आपको कैसी लगी इस पर आपकी राय ज़रूर दें। अगर आप डेली हंट के ऑलरेडी यूज़र हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़, ट्रेंड, अपडेट और मोटिवेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चचाओ।